सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस खास दिन पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखने के साथ विधि अनुसार पूजा अर्चना भी करती हैं। इस पर्व में चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा के निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चंद्रमा के निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं यह व्रत खोलती। इस बार करवा चौथ 13 घंटे 42 मिनट की अवधि का होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक ये व्रत रखते हैं। इस बार करवा चौथ चंद्रोदय रात 8:15 पर होगा। उसी समय पूजा का मुहूर्त भी है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर शुरू होगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर को रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ व्रत उदय तिथि के से मान्य होता है, इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सर्गी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को स्त्रियां दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं और पूजा करती हैं। उसके बाद शाम को छलनी से चांद को देखकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है माता पार्वती ने शिव के लिए, द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ के प्रताप स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने के वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली देती है। करवा चौथ से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं जो इसे और खास बनाती है। करवा चौथ का व्रत त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में मनाया जाता है। यह व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है। इस साल 100 साल बाद करवा चौथ पर महासंयोग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं संयोग के बारे में। इस बार 100 साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है, जिस कारण बुधादित्य योग बन रहा है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिव योग और शिव वास और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, इसलिए इस साल का करवा चौथ काफी शुभ रहने वाला है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ देंगी, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन माँ गौरी और भगवान शिव के साथ भगवान गणेश का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। इस दिन निर्जला व्रत रखें, बाद में अपनी पूजा की सामग्री को एकत्रित करें। शाम को पूजा के समय चौकी रखकर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर स्थापित करें। आप अपनी पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, कुमकुम, रोली और करवे में जल भर कर रखें। फिर करवा चौथ की व्रत की कथा सुने। रात में चांद के निकलने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ दें। इसके बाद पानी पीकर अपना व्रत खोलें। कई जगहों पर सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी यह चौथ का व्रत रखती हैं। यह सवाल जरूर दिमाग में आता है कि क्या उन्हें यह व्रत करना चाहिए, उनके लिए क्या नियम रहेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंवारी लड़कियां करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत करने की बजाय फलाहार का व्रत रख सकती हैं। विवाहित महिलाएं करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, पार्वती, चंद्रमा, गणेश और कार्तिकेय जी का पूजन करती हैं, लेकिन अगर अविवाहित लड़कियों इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें केवल भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए और माता करवा की कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ में सुहागिन महिलाएं रात में छलनी का प्रयोग करके चांद को अर्घ देती हैं, लेकिन वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को में बिना छलनी का इस्तेमाल किए ही चंद्र भगवान का पूजा कर सकती है, उन्हें अर्घ दे सकती है। करवा चौथ की व्रत के दौरान कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, इससे व्रत को नुकसान होता है और आपको फल भी नहीं मिलता है। अन्न और जल का ग्रहण न करना। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है,
सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल को ग्रहण न करें, वरना आपका व्रत टूट सकता है, आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। चंद्र अर्ध के बिना पारण न करें। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है। चंद्रमा को अर्ध देते हैं, उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्ध दिए पारण न करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे तो सांकेतिक पूजा और अर्ध दें, उसके बाद ही पारण करें। दिन में ना सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। काले कपड़े ना पहने। करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना गया है। आपको हमारी यह करवा चौथ से जुड़ी जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। कोई समस्या है तो कमेंट में बता सकते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है।